सर। माननीय सभापति महोदय, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद संसद में चर्चा हो रही, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, मगर जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए संसद बना है, आज उसके मकसद को पूरा होते हुए। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, अधीर रंजन चौधरी से लेकर सुशील कुमार रिंकू तक 26 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। किसने पक्ष में बात करी, किसी ने विपक्ष में बात करी, किसी ने पार्टी लाइन पर बात करी, किसी ने अपने मन की बात करी, परंतु आज चर्चा हुई इसका मुझे आनंद है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये विपक्ष के सारे मित्रों कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे, माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण। क्या देश की चिंता है? तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है, अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए, आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गठबंधन से छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी, मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो कारण हो, मणिपुर उनका एब्सेंट रहने का कारण है। मैंने पहले दिन से यहां कह रहा है जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार, हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब। माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा को मैंने सुनी, प्रेमचंद्रन जी से लेकर सारे लोग जो विषय पर बोले मैंने ध्यानपूर्वक नोट भी पढ़े हैं, सुना भी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर से मैं एक बार कहता हूं कि सदन जनता को गुंडा करने की जरूरत नहीं। सारे लोग राज्य के अधिकार कह रहे हैं, कौन से राज्य? दिल्ली राज्य ही नहीं, ये तो संघ प्रदेश है और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया, अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के काम काज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे, 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे,
आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार इसके तहत अनुच्छेद 239(a)(3)(b) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं फिर भी आज मैं समझता हूं कि आप लोग समझकर ही बोले होंगे, समझते हैं, मगर पॉलिटिकली बोले होंगे, मगर मैं ऐसा समझकर बोलता हूं कि आप नहीं समझे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी क्षेत्र, ये संविधान में अलग अलग एंटिटी है। अब राज्य की दुहाई अभी किसी सदस्य ने कहा, कल को आप किसी भी राज्य से नहीं हो सकता, राज्य के काम में दखल नहीं हो सकती। यहां दखल इसलिए कर सकती है संसद क्योंकि 239(a)(3)(b) के अंदर इस संसद को आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब अधिकार दिया हुआ है। और अभी किसी को लगता है मेरे अधिकार कम है तो चुनाव लड़ने से पहले आर्टिकल 239(a)(3)(b) पढ़ना चाहिए था। अब पढ़े नहीं, लड़ लिए और कहते मेरे अधिकार कम। मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, सारे विपक्षी दलों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप 1993 में राज्य बना, 93 से 15 तक इसी नियमों के अनुसार उस वक्त भी सर्विस केंद्र सरकार के हाथ में थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन किया और इंटरप्रिटेशन कर ये भी कहा कि अगर आपको सर्विस हाथ में लेनी है तो कानून बनाना पड़ेगा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधिकांश समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं, हम तो रिसीविंग एंड पर है, झगड़ लो। अब क्या कर सकते हो, आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हैं। और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, जो एक्ट के रूल बनाने का अधिकार है। ये बेसिक समझ का विषय। कैबिनेट नोट का सवाल किया, इसमें भी आप इसको गलत क्रांति खड़ी कर रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कैबिनेट नोट आज भी कोई भी राज्य, आप लोग कई राज्यों में सरकार है, वहां कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है, फाइल पर मंत्री की अप्रूवल होती है। यहां पर क्या होता था, जब गपले घोटाले वाली कैबिनेट नोट हो सचिव के पास जाती ही नहीं थी, मुख्य सचिव के पास जाती ही नहीं थी। मंत्री के सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में मान्य देखी कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है, मंत्री के सिग्नेचर से कभी नहीं जाती। इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं भाई, रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था, रूल्स के हिसाब से चले उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ, उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया, उसके पहले पट्टाभि सीतारमैया की कमेटी बनी, उसके बाद 56 में संविधान संशोधन करकर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई, इसके साथ साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया, और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय 249(a)(1) के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया।
मैं एक जो रिपोर्ट है इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, अंबेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी अंबेडकर जी को कह रहे थे कि अंबेडकर की भावना के खिलाफ काम कर रहे हो। रिंकू जी, हम तो अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा था कि केंद्र के तहत रहना है। और माननीय अध्यक्ष जी, बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूं, दिल्ली की कार्य प्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये बात को रिपोर्ट को कोट किया और उन्होंने कहा कि बालकृष्ण समिति ने पूरे विश्व की राजधानियों की कार्य प्रणाली और सेवा प्रणालियों का अध्ययन करके ये प्रस्तुत किया है जिसका हम पालन कर रहे हैं। और उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो तीन उंगली आपके सामने होती है। और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हैं, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई, और दो तीन लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठे, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हम हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात आई कि भाई अध्यादेश क्यों ले गया, मैं बताना चाहता हूं कि 11/5/2023 को संविधान पीठ ने फैसला, अब संविधान पीठ के फैसले को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वो फैसला कहता है, इन अवे संविधान पीठ ने दो जजों की खंडपीठ का बेंच का गाइडेंस दिया, फाइनल निर्णय दो जज की बेंच ने करना, वो अभी डेट लगी भी नहीं, मैटर लगी भी नहीं कि 11/5/23 को जजमेंट आया और 11/5/23 को ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने मंत्री ने एक परिपत्र घोषित कर दिया अपने सिग्नेचर, फिर से मैं कहता हूं परिपत्र सचिव करते हैं या मंत्री करते हैं, आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद तैनात किए जा सके, सचिव सेवाएं की तैनाती, मतलब सर्विस जो देखते हैं वो सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी, इन प्रिंसिपल निर्णय किया है, इसके पर दो जजों की बेंच ने निर्णय करना है, इसको घोषित करना है, आप अमल करने कर दी। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी कि सेवा विभाग के सचिव श्री आशीष मादेराव मोरे का ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो फिर से पढ़ रहा हूँ, 11/5/23 के निर्णय के पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो अभी बैठी ही नहीं।
शाम को ही इन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस मंत्री जी ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दिया कि विशेष सचिव सतर्कता विजिलेंस कमिश्नर को सचिव विजिलेंस से उसको रिपोर्ट मत करिए। क्यों? अभी जजमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब कारण क्या है, इसलिए न करना क्या किया जाए, इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं बताता हूं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना था? अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी, बोलो। प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने चाहे वाले था? मैं बताता हूं, क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी। कौन सी फाइलें थी जरा आप ध्यान से सुनना भाई, जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था इसका ओपिनियन जो देना था वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में थे। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते, शीश महल की फाइल, दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए, इसकी जांच की फाइल दी है सतर्कता विभाग ने। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैर कानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई, वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया, उनको 21,000 करोड़ लेना है वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया, इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया, और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानते सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहा कि भाई सत्र बुलाने, माननीय अध्यक्ष जी सभी दलों की कहीं ना कहीं पार्टियां रही, मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप सत्र अवसान यहां करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती है, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है, और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर दे, सत्र का अवसान ही नहीं होता है। मान लीजिए ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, इसी किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी, और देश की जनता को ये सब मालूम है। और ये कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया,
बजट सत्र जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का जो मजबूरी है बजट पारित कराना है, 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र जिसमें 3 दिन की बैठक करी, 4 बैठकें करी, वो बजट सत्र का मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है, और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाए माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की, हमारे विपक्षी दल के मित्र कौन से अधिकार भाई, विधानसभा बुलानी है नहीं है। ओवैसी जी आप मुगालते में है, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है माननीय अध्यक्ष जी। मैं अब कैबिनेट बैठक पर आता हूं। 2022 के लिए, 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सिर्फ 6 ही बैठक पूरे साल में, इसमें से 3 बैठक बजट संबंधी थी और 1 बैठक एक कंपनी को फायदा करने की। तो एक चुल में देखे तो 2 बैठक बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी 2023 में 2 ही बैठक अब तक बुलाई गई है, दोनों बैठक बजट के लिए। अब ये कैबिनेट की बात करें, भैया कैबिनेट बुलाते नहीं है, वही तकलीफ है दिल्ली की जनता को, तो बुलाते ही नहीं कैबिनेट। हम तो चाहते हैं कैबिनेट बुलाया जाए। अब किसका समर्थन कर रहे हो? गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए, हम भी चलाते हैं, मगर ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना और इसमें खड़े हो जाना। माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर, इसमें भी कोर्ट ने स्ट्रिक्चर किया। केक का रिपोर्ट 2 साल से सदन में नहीं रखते हैं, संविधानिक प्रोविजन है, आप हमें संविधान सिखाते हो, जरा आपके साथी को सिखा दो कि केक के रिपोर्ट को आप छुपा नहीं सकते हो। 2 साल से सब केक का रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखते, वो लोग क्या, ये संविधानिक प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, RRTS, एम्स, UER, IIT दिल्ली, ये इस जैसी संस्थाओं के 13 परमिशन वहां लंबी थे, नहीं देते, उनको डर है ये सब होगा है तो मोदी जी बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं इनकी सरकार चलाने का तरीका बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी। 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए 2016 के एक अधिनियम बनाए, देश के सारे राज्यों ने, इवन DMK ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु दिल्ली नहीं करता है क्योंकि उनको विकास से कोई सरोकार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 से जो सिविल सर्विस बोर्ड की हमने रचना की, इसको लेकर ये आगे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है, वो विधेयक लेकर मैं आया हूँ, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मारन जी पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी एक भाई ये भी खड़े हो गए, मैं क्या करूं, एक बार ये भी खड़े हो गए। सदन की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं क्या
आपके होम मिनिस्टर एक सर चेहरे से मान ली। हाँ आप क्या बोल रहे चल रहे हैं 2G 5G पे समझौता बस नहीं हो रही यहाँ पे। सर 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 आई वांट टू सबमिट सर थ्रू यू सर सर थ्रू यू सर I want to submit one thing before the House and the Honorable Home Minister and other members of the Parliament in the other side, the other side benches. As far as 2G is concerned. No. Mani Gramanthi. He's had on the record. 2G, 3G. He's had on the record. Mani, 2G, 3G mein bas nahi ho rahi. No, kuch nahi bola. No. Lagaya hai, aap kyon 2G pe naam ko maharaj ho rahe ho? अरे 2G पे नाराज भी इतना नाराज क्यों जाते हो? देखो पुरानी बातों को लेके मत चलो। वो 2G अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर नहीं है बता दीजिए इनको। देखिए वो रिकॉर्ड पे नहीं है, आप क्यों रिकॉर्ड बनाना चाहते हो बात? अरे ऑनरेबल मेंबर वो रिकॉर्ड में नहीं है, आप क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो बात? ऑनरेबल मेंबर वो रिकॉर्ड में नहीं है। ओके नो रिकॉर्ड। ओके माननीय गृह मंत्री जी नो रिकॉर्ड मिस्टर बालू रिकॉर्ड में नहीं गया, क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो उसको बिना काम में? बिना जी गृह मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी बालू जी चलो आप कहेंगे जब 2G 3G पे चर्चा करा लेंगे, अभी गृह मंत्री जी की चर्चा करने दो। हाँ जी मैं करता हूँ बाद में। ओके बालू जी रिकॉर्ड पर नहीं है, प्लीज रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना था। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां करके तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, राजीव रंजन जी लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे और चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए, लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी कम्युनिस्ट पार्टी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी जेडीयू का जन्म ही माननीय अध्यक्ष जी जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पेशन के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है इसने डर खड़ा किया है।
माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते। भाई कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है, विचार बदलिए। जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर निहित स्वार्थनीतिक उद्देश्यों के कारण न भाषण देने चाहिए न वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर,